गाइस, आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और स्वागत है आपका मायापुरी रीजनल पर, जहां पर हम आप तक पूरे इंडियन सिनेमा की सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। हर एस्पायरिंग एक्टर का ये सपना होता है कि फिल्म मेकर करण जौहर उन्हें लॉन्च करे, लेकिन जानवी कपूर का ये कहना है कि करण जौहर ने उन्हें लॉन्च किया इसीलिए वो नफरत का शिकार होती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जानवी कपूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि धर्मा बहुत ही आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस है, लोग जो भी कहते हैं इसके पीछे उनकी क्यूरियोसिटी होती ही है। ये बात सही है कि उन पर ज्यादा प्रेशर भी है और इसी वजह से उन्हें नफरत का शिकार भी होना पड़ता है। एक्टर विकी कौशल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो अपनी पत्नी कटरीना कैफ को कोरियोग्राफ करना चाहते हैं। दरअसल उनकी अपकमिंग फिल्म गोविंदा नाम मेरा में विकी कौशल और कियारा आडवाणी कोरियोग्राफर के रोल में है। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री में वो किसे कोरियोग्राफ करना पसंद करेंगे, तो इस पर विकी कौशल ने कटरीना कैफ का नाम ले लिया। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। उनका नाम अक्सर ही रश्मिका मंदाना के साथ जोड़ा जाता है। अफेयर के र्यूमर्स के बीच विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की एक नई तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में विजय और रश्मिका एक दूसरे के गले में वरमाला डाले नजर आ रहे हैं। तस्वीर को देखकर लग रहा है कि दोनों ने शादी कर ली है। विजय देवरकोंडा और रश्मिका की इस तस्वीर के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर तहलका मच गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस कि ये तस्वीर फेक है, यानी कि ये पूरी तरह से गलत है। प्लीज इसे सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। हंसिका मोटवानी और सोहेल कथुरिया के घर में प्री वेडिंग फंक्शंस शुरू हो चुके हैं। रिसेंटली उनके यहाँ माता की चौकी का फंक्शन रखा गया था, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। माता की चौकी में एक्ट्रेस ने लाल रंग की मिरर वर्क वाली साड़ी पहनी हुई थी। हंसिका का लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है, जिसके बाद वो अब उन्हें दुल्हन के लिबास में देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। पंजाब की सबसे हिट एक्ट्रेसेस में से एक सरगुन मेहता हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उनकी हर एक पोस्ट का इंतजार करते हैं और वही सरगुन भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जहां वो कैजुअल लुक में नजर आ रही हैं। बिना मेकअप बिना फिल्टर सरगुन बस अपना दिन एंजॉय कर रही हैं। उनकी इन सिंपल येट हैप्पी पिक्चर्स देखने के बाद फैंस काफी पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं। पंजाबी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन इन दिनों काफी सुर्खियों में है। जैस्मिन की फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं है और इसीलिए वो भी अपने फैंस को आए दिन अपनी डे टू डे लाइफ की अपडेट्स देती ही रहती हैं। अब रिसेंटली जैस्मिन ने अपने फैंस के साथ एक नया वीडियो शेयर किया है वेयर शी इज हैविंग अ गुड हेयर डे। वीडियो में जैस्मिन अलग अलग पोजेस में नजर आ रही हैं। वैसे आपको जैस्मिन का ये लुक कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उर्वशी रौतेला किसी न किसी वजह से हर वक्त चर्चा में रहती हैं और अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर भोजपुरिया फैंस हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला भोजपुरी में भी अपना डेब्यू कर चुकी हैं। मी ब्रदर्स और प्रियंका सिंह ने इस भोजपुरी गाने राजा जी में अपनी आवाज दी है। असली सॉन्ग 2 साल पहले रिलीज हुआ था और अब इसका भोजपुरी डब वर्जन आया है। फैंस उर्वशी को भोजपुरी गाने में देखकर काफी सरप्राइज हैं। क्या आपने सुना उर्वशी का भोजपुरी सॉन्ग? उफ, भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की हॉटनेस का भी कोई जवाब नहीं है। फैंस अक्सर ही उनकी तस्वीरें देखकर घायल हो जाते हैं। दरअसल मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी कुछ नई पिक्चर्स शेयर की हैं, जहां वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। ऑरेंज स्कर्ट और ब्लू फ्लोरल क्रॉप टॉप में मोनालिसा का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है और काफी वायरल भी हो रहा है। आज मायापुरी रीजनल में बस इतना ही। आगे की सारी चटपटी खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।